देखिए कुछ वर्ड्स और उसके बीच में हम डिफरेंसेस देखेंगे, जो आपके सुनने में तो वर्ड्स आपके एक जैसे होते हैं लेकिन उसकी मीनिंग अलग होती है, और ऐसे ही वर्ड्स को हम होमोफोन कहते हैं। होमोफोन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, होमो मतलब होता है जैसा, फोन मतलब होता है आवाज। तो बिना टाइम को वेस्ट की आते हैं अपने वीडियो पर और हम समझते हैं कि क्या फर्क होते हैं और वर्ड्स को हम जाने और पहचाने कैसे। पहला वर्ड बाबू आपका है हर्ट और दूसरा वर्ड आपका है हार्ट। तो इसमें बाबू जो एच यू आर टी हर्ट है, इस हर्ट का मतलब होता है चोट, ठीक। अगला है एच ई ए आर टी हार्ट, हार्ट का मतलब होता है हृदय या दिल, ठीक है, सुनने में लगभग एक जैसे हैं, ठीक। अगला है राइट, आर आई जी एस टी राइट और डब्ल्यू आर आई टी राइट। तो आर आई जी एस टी राइट का मतलब होता है अधिकार या हम कह सकते हैं दाहिना, ठीक। और जो अगला आपका लिखा हुआ डब्ल्यू आर आई टी राइट, तो इसका मतलब सब जानते हैं क्या होता है, लिखना। चलिए अगले वर्ड की तरफ आते हैं। हमारा अगला वर्ड है पीस, पी ई ए सी ई पीस, पीस का मतलब होता है शांति, और पी आई ई सी ई पीस, पीस का मतलब हो जाता है टुकड़ा। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पी ई ए सी पीस मतलब होता है शांति और पी आई ई सी पीस, पीस मतलब होता है टुकड़ा। अगला बाबू आपका क्या है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसमें सब सी है, सी है, सी है, ठीक है। तो देखिए एस एच ई सी सी का मतलब होता है बाबू वह, जो कि स्त्रीलिंग यानी गर्ल्स के लिए लगता है, जैसे हमने कहा सी इज ए गर्ल यानी वो एक लड़की है। अगला हमने कहा एस ई ए सी मतलब होता है समुद्र, और एस डबल ई सी सी मतलब होता है देखना। अगला बाबू आपका है एस ई डबल सेल सेल मतलब होता है बेचना, और एस एच ई डबल सेल मतलब होता है खोल, ठीक, जैसे किसी चीज़ की कवच होती है, ठीक। अगला बाबू आपका है, ठीक है, एस एच ओ आर टी शॉर्ट। अभी शॉर्ट का मतलब तो छोटा होता है, कहते हैं शॉर्ट आंसर, अच्छा एस ओ आर टी शॉर्ट का मतलब होता है तरह या प्रकार। अगला बाबू वर्ड आपका है इसी क्रम में, ठीक, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए एस डब्ल्यू डब्ल्यू टी स्वीट, स्वीट का मतलब क्या होता है, मिठाई, और एस डब्ल्यू ई ए टी इसको पढ़ते हैं स्वेट, स्वेट मतलब पसीना, ठीक, स्वीट मतलब मिठाई और स्वेट मतलब पसीना। अगला बाबू वर्ड आपका है एन आई सी, फेसबुक रिकमेंड्स करते हैं नाइस, नाइस मतलब अच्छा या प्यारा, खूबसूरत, और एन आई ई सी नीस, नीस मतलब होता है, ठीक है, भतीजी। अगला बाबू आपका है डी आई ई डाई, डाई मतलब सब जानते हैं मरना, तो अगला बाबू डी वाई ई डाई का मतलब क्या होगा, तो हम जब बालों में रंग भरते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डाई कहते हैं, ठीक है। अगला बाबू आपका क्या होता है एस ए डी सैड, अब इस सैड का मतलब क्या होता है, दुखी, और एस ए आई डी सैड, सैड मतलब है ना, और एस एच ए डी सेड, सेड मतलब होता है छाया, ठीक। चलिए अगले वर्ड की तरफ आते हैं, सी ओ डबल एल ई जी कॉलेज, स्कूल के लिए जो इस्तेमाल होता है, कॉलेजेस होते हैं, और सी ओ डबल एल ई ए जी यू इसको पढ़ते हैं कली, जो आपके साथ में रहता है साथी को क्या कहते हैं, कलीग कहते हैं, अच्छा एम ए एन मैन, मैन मतलब एक आदमी, और एम ई एन मैन मतलब कई सारे आदमी, ठीक। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो अक्सर हमारे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उम्मीद है कि इतनी आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।